हाँ जी, तो क्या हाल है आप लोगों के? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और सारे मज़े में होंगे। तो आपका मैंगो भाई भी ठीक है, अच्छे से हैं और मज़े में हैं। तो अभी चेक कर लो आपका मैंगो भाई किस लोकेशन पे आया है। और हमारी बाइक ये रही, हमारी बाइक जो कि प्रो व्हील्स कप्स के साथ ना इस वाले एंगल में बहुत ही प्यारी लग रही है। ये बाइक अब प्रो व्हील्स व्हील कप्स लगाने के बाद ना एक सुपर बाइक का फील देती हैं। तो आज हम, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में पहले ही गेस कर लिया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम अपनी बाइक की, जो मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ, जो इसकी टेल राइड है ना, ये मैं बाहर निकालूंगा। और जो रही बात इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स में यहाँ पर फिक्सिंग लगाऊंगा, जो कि आप लोग वीडियो में बने रहना, आप लोगों को सारा स्टेप बाई स्टेप समझ आएगा। जो वो वाले इंडिकेटर्स होते हैं ना, जो बॉडी फिटेड इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि स्ट्रिप लाइट्स में होते हैं, तो उनको कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा कनेक्शन कहाँ लगाना है, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ताकि आप लोग भी घर बैठे ही जो इंडिकेटर्स है ना अच्छे से फिट कर सको। इस वीडियो में बने रहना, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा कौन सा कनेक्शन आप लोगों को कहां पर कैसे लगाना है। तो बाकी अभी आप लोग बाइक का लुक चेक कर लो, अभी देखो टेल के साथ हमारी बाइक कैसी लग रही है। और अभी आप लोगों को थोड़ा सा वॉक अराउंड देते हैं, तो अभी ऐसे चेक कर लो, आगे से तो बहुत ही खतरनाक दिख रही है। वैसे टेल के साथ भी बाइक बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप लोग अभी इसका लुक चेक कर लो। जब इसकी टेल टाइडी होगी ना, ये मैं पूरा हटाऊंगा और मडगार्ड का भी मैं सोचूंगा, ये मैं लगा के रखूंगा या हटाऊंगा, तो वो आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगा। तो आज ना इस बाइक का जो लुक है ना, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्यारा दिखने वाला है। तो बाकी हम आप लोगों को जल्दी से इंडिकेटर्स और टेल टाइडी दिखाते हैं। सो बाकी गाइज, आप लोग चेक कर सकते हो, आज मैं जो ये वाले इंडिकेटर्स है ना, ये मैं अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये वाले इंडिकेटर्स ना बहुत ही प्यारे लगेंगे हमारी बाइक के साथ। तो अभी आप लोग यहाँ पर चेक कर लो, ये ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रिप लाइट होती है इनमें, जो कि इंडिकेटर्स है ना ये येलो में होते हैं, और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये वाला जलेगा। तो इसमें आप लोगों को, यूजुअली मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप लोगों को तीन वायर्स मिलेगी। इसमें ना बंदा थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ होता है, तो वीडियो में बने रहना, ये भी मैं आपको बताऊँगा ये तीन वायर्स आपको किस किस के साथ कनेक्ट करना है। तो एक तो ये इंडिकेटर्स हैं, और इनके साथ होता है ये 3mm डबल टेप जो कि हमें यहाँ से चिपकाना है, और दूसरा हमें बाइक पे चिपकाना है, ताकि जो ये वाले इंडिकेटर्स है ना अच्छे से चिपक जाए बाइक। बस अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये वाला इंडिकेटर है ना, तो एक साइड से ये 3mm टेप उठाएंगे, ये हम पहले इस पे लगाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसका जो एक साइड का रैप होता है ना वो उठाएंगे और इस पे ये इंस्टॉल करेंगे। तो जी गाइस, अभी आप लोग चेक कर सकते हो, जो मैंने 3mm टेप है ना एक साइड से इसमें देखो ग्लू कर दिया है, चिपका दिया है एक साइड से। तो अब मुझे इस वाले साइड का रैप उठाना है और ये डायरेक्टली अपनी बाइक पे चिपकाना है, जो ये वाले स्ट्रिप इंडिकेटर्स है ना ये अपनी बाइक पे चिपकाने हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम पहले अपनी टेल आईडी जो है ना, जो टेल है ना पीछे वाली, ये हम सारी निकाल देंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये सीट खोलनी पड़ेगी। वाली सीट खोलने के लिए आप लोगों को बाइक की लगती है, जो कि बहुत ही ईजी होता है ये वाली सीट निकालना। तो ये वाली सीट देखो निकल चुकी है बाहर। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, आप लोगों को ये टेल आईडी आप लोग कैसे बाहर निकाल सकते हो घर में ही, तो बहुत ही ईजी है। तो इसके बाद देखो, मैंने इसमें ये डॉक्यूमेंट रखे हैं छोटे वाले पॉलीथीन में, चलो इनको साइड में रखते हैं। और इसमें होता है ये ECM, इसको ना थोड़ा बहुत आराम से निकालना पड़ता है, ताकि ये ना बाइक का ब्रेन होता है, सो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। बस देखो ये ECM भी जो उखाड़ना है ना बहुत ही ईजी है। और उसके बाद ये कुछ होता है, तो ये रबर भी हम बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को 10 नंबर के नट बोल्ट्स। तो ये हमें 4 बोल्ट्स मिलेंगे, जो कि हमें खुद अपने हाथों से खोलना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो आप लोगों को ये वायरिंग दिख रही है ना, जो कि एक एक तार में यहाँ पर कनेक्ट है, तो इनको डिसकनेक्ट करना है। और यहाँ पर एक कपलर होता है, जो कि इस लाइट का होता है, इस वाली लाइट का होता है, नंबर प्लेट लाइट का होता है, तो इसको भी हमें डिसकनेक्ट करना है। तो इनको डिसकनेक्ट करने के लिए बस सिंपली इनको खींचना है और ये डिसकनेक्ट हो जाएंगे, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले हम ये वाले नट बोल्ट्स खोलेंगे, टेल को बाहर निकालेंगे, ये कनेक्शन निकालेंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे वो आप लोगों को कैसे कौन सा कनेक्शन किस में लगाना है। तो अभी आप लोग चेक कर सकते हो, जो मैंने नट बोल्ट्स हैं ना वो सारे निकाल दिए हैं। तो फिर इनमें सिंपली क्या होता है, ये लॉक होता है, इनको ऐसे खींचना पड़ता है। और देखो आपकी जो बाइक की जो टेल है ना, देखो नीचे बिगड़ गई, तो टेल ना सिंपली यहाँ से निकल जाएगी। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो हमारी बाइक की जो टेल है ना, यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो बाइक की टेल है ना वो हमने बिल्कुल निकाल दी है अपनी बाइक से बाहर। तो अभी पीछे से बाइक का लुक चेक कर लो, कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। तो ये रही बाइक की टेल, जो कि हमने खुद निकाली अपनी बाइक में से। तो अभी हम क्या करेंगे, ये भी निकालेंगे, थोड़ा बहुत आप लोगों को शार्प लुक दिखेगा। सो फाइनली जाके जो पीछे का जो मड गार्ड है ना वो भी निकाल दिया, जो पीछे की जो टेल है ना वो भी निकाल दी। और अभी आप लोग चेक कर लो, हमारी बाइक का जो लुक है ना बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। तो अभी आप लोग कैमरा में देख पा रहे होंगे, तो ये रहा हमारा बाइक का कुछ लुक, जो कि ऐसा है। तो अभी मैं जो ये वाले इंडिकेटर्स है ना, जो स्ट्रिप लाइन इंडिकेटर्स हैं, ये मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपकाऊंगा, यहाँ पर
इंस्टॉल करूँ। तो आप लोग किसी भी बाइक को सुपर बाइक का लुक दे सकते हो घर में ही। तो इसमें थोड़ा बहुत मसला है, जब हमने टेल निकाली ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कीचड़ अंदर जा सकता है। उसके लिए भी हम कुछ जुगाड़ लाएंगे, कुछ अंदर से रखेंगे जिससे कि ये ख़राब ना हो, अंदर कीचड़ ना घुसे। तो भी इसका जो डबल एमएम टेप है ना वो निकालेंगे, और यहाँ पर जो सबसे पहले जो बेस है ना इसको अच्छे से आप लोगों को क्लोथ से साफ करना है ताकि मिट्टी वट्टी ना हो, या अच्छे से इंस्टॉल हो जाए। मैंने जो सारी चीज़ें ना वहाँ से बैग है यहाँ से मैंने फैला के रखी इस जगह पे। तो अभी जो मैंने इंडिकेटर से ना यहाँ से भी मैंने चिपका दिया है और यहाँ से भी चिपका दिया है। जो इसका ग्लो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, तो अभी जो इसका लुक है ना बहुत ही खतरनाक आ रहा है। तो अब जाके फाइनली हमें क्या करना है, जो इसकी जो तार है ना, जो इसकी वायरिंग जो है ना वो इनके साथ कनेक्ट करनी है। तो वो कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो इसमें तीन तार्स मिलती हैं, तो यूजुअली दोनों इंडिकेटर्स में तीन तार्स मिलती है। तो इनमें आप लोगों को तीन वायर्स में क्या करना है, जो ब्लैक और येलो होता है ना इन, ये आप लोगों को बराबर इंडिकेटर्स की जो थिम्बल्स होती है ना उनके साथ कनेक्ट करना है, और इस एक को कनेक्ट नहीं करना है। तो ऐसा ही सेम आप लोगों को दूसरे के साथ भी करना है, जो इसमें ब्लैक और येलो है ना वो इन दोनों के साथ कनेक्ट करना है, जो कि मैंने इंडिकेटर्स का निकाला था, जो आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा। तो तीसरे को क्या करना है, जो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला कपलर दिख रहा है ना, तो ये वाला कपलर किसका है, ये है ब्रेक लाइट का, जो कि ब्रेक लाइट है ना R15 V4 में जो ब्रेक लाइट आती है ना बैक की ब्रेक लाइट, तो इस कपलर को निकालना है। तो इस कपलर को निकालने के बाद जो आप लोगों को रेड वाला कनेक्शन है ना इसका और इसका, तो इनको आपको कनेक्ट करना है येलो वाली लाइन में। तो इसमें आप लोगों को येलो वाली लाइन दिख रही होगी, तो जब आप इसको येलो वाली लाइन में कनेक्ट करोगे ना, जब आप फिर ब्रेक अप्लाई करोगे ना अपनी बाइक की, तो जो ये वाले इंडिकेटर्स हैं बीच में जो वाइट DRL है ना ये ब्लिंक करना स्टार्ट करेगा। तो ये वाला जो रेड वाला वायर होता है ना ये ब्रेक लाइट के लिए होता है, जो आप लोगों को ब्रेक वाले कपलर के साथ, जो ब्रेक लाइट का जो कपलर आता है ना इसमें भी तीन तारें होती है, उसमें जो येलो वाली तार है ना उसी के साथ कनेक्ट करना है ये रेड वाला। तो वो आप लोगों को कैसे करना है, पहले ये निकालना है, आगे से ये चिपकाना है और इसको कनेक्ट करना है। तो अभी मैं कनेक्शन लगाता हूँ, फिर आप लोगों को ये जला के दिखाता हूँ। बहुत ही मेहनत के बाद जो हमारे जो कनेक्शन है ना वो मैंने कनेक्ट कर दिए हैं। तो मैंने आपको आप लोगों को पहले बोला जो थिम्बल आपने निकाली थी ना, तो ब्लैक ब्लैक के साथ, येलो दूसरे कलर के साथ, और जो रेड है ना उसको ऐसे इस वाले जो कपलर है ना, जो ब्रेक का कपलर होता है ये वाइट कलर का, इसमें जो येलो लाइन येलो लाइट होती है ना उसके साथ कनेक्ट करना है दोनों को, ताकि जब आप ब्रेक अप्लाई करो तो हमारे इंडिकेटर्स अच्छे से चले। तो अभी मैं यहाँ पर की को ऑन करता हूँ, और फाइनली जाके आप लोग यहाँ पर चेक कर लो, जो इंडिकेटर्स है ना वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रेक को अप्लाई करूँगा। देखो मैंने ब्रेक अप्लाई किया ना, दो जो वाइट कलर है ना देखो वो भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। ऐसा ही सेम यहाँ से भी हो रहा है। सो बहुत ही ईजी होता है घर में ये, जब आप ब्रेक को छोड़ोगे तो ये भी बंद हो जाएगा, और ये मैंने हैजर्ड्स ना ऑन करके रखे हैं था, जिसके कारण ये ब्लिंक कर रहे हैं। तो बाकी ब्रेक अप्लाई करोगे तो ऐसी लाइट जलेगी, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है अपनी बाइक पे, आप लोग चेक कर सकते हो अच्छे से। तो फाइनली जाके मैंने जो ये वाली जो है ना ये इंस्टॉल कर दिया। चेक किया कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपके मैंगो बाइक को। तो फाइनली जाके जो मैंने इंडिकेटर्स है ना देखो वो इसमें इंस्टॉल कर दिया, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और बाइक का लुक पीछे से चेक कर लो, कितना ही खतरनाक और कितना ही खूबसूरत बाइक लग रही है अभी। तो इस वाले एंगल से भी आप लोग चेक कर लो, बाइक का जो पीछे से लुक है ना बिल्कुल शार्प हो गया, और जो अब जो बाइक है ना बिल्कुल सुपर बाइक जैसी लग रही है। बाकी आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मैंगो बाइक को एक चीज़ करने के लिए। जितना छोटा मैंने वीडियो दिखाया ना, पता नहीं कितना बड़ा हुआ होगा वीडियो, तो उतना ईजी नहीं होता, देखो हाथों की क्या बैंड बच जाती है। तो बाकी आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को कर दो एक लाइक, कमेंट, शेयर, और कर दो सब्सक्राइब, जो आप लोग नहीं करते हो बार बार बोलना पड़ता है आज सब्सक्राइब कर दो, कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एक वीडियो के चक्कर में। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से और किसी ना इसी प्यारी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।